स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नफीस अहमद। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड फीटल वेल विंग के बारे में, अब्सेंस ऑफ कैल्विरल बोन्स। कैल्विरल बोन का मतलब होता है कि जो ब्रेन का जो खोपड़ी होता है, ऊपरी हिस्सा होती है, हड्डी होती है दिमाग की, वो अब्सेंट है। विड्रॉल किसे कहते हैं? न्यूरॉल, न्यूरॉन्स को बोलते हैं, यानी ब्रेन के जो दिमाग होते हैं, ब्रेन जिससे बना होता है, न्यूरॉन से बने होते हैं, तो वो भी अब्सेंट है। यानी सर की जो खोपड़ी है और अंदर का जो ब्रेन है, वो दोनों अब्सेंट है। फ्लोटिंग इन एमनियोटिक फ्लूड, बच्चेदाने के अंदर जो झिल्ली होती है, पानी की झिल्ली होती है, जिसमें बच्चा होता है, उसके अंदर बच्चा तैर रहा है। फ्लोटिंग इन एमनियोटिक फ्लूड, यानी एमनियोटिक फ्लूड में वो तैर रहा है। फेशियल स्ट्रक्चर, यानी चेहरे का जो स्ट्रक्चर है, बनावट, वेल फॉर्म्ड, यानी जो चेहरे का जो बनावट है वो बढ़िया सा बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, वेल फॉर्म्ड है, अच्छा बना है। सजेस्टिव एनेंसेफेली, एन का मतलब नहीं है, सेफेली का मतलब दिमाग, यानी सर नहीं है, यानी बच्चा के गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है उसमें सर ही नहीं है, ठीक है, हेड ही नहीं है। सिंगल लाइफ इंट्रायूटराइन, यानी एक बच्चा पल रहा है बच्चेदानी के अंदर, फीटस, जिसे फीटस बोलते हैं, इन अनस्टेबल प्रेजेंटेशन, और उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो पोजीशन है, वो अनस्टेबल है, यानी फिक्स नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग 20 वीक्स, यानी बच्चा 20 वीक्स का है, यानी 5 महीने का हो गया बच्चा। बच्चे का जो स्कल है वो गायब है, स्कल नहीं बना हुआ है। अंदर जो ब्रेन का जो न्यूरॉन टिश्यू होता है वो भी एब्सेंट है। तो ऐसे बच्चे अगर पैदा भी हो जाते हैं, देर तक जीवित नहीं रहते हैं, जिंदा नहीं रहते हैं, थोड़ी देर के लिए रहते हैं। ये जेनेटिक इफेक्ट हो सकता है, या डायबिटीज की वजह से, या मदर कुछ और मेडिकेशन ले रही है, कोई और दिक्कत है, जेनेटिक फैक्टर वगैरह, तो ये कंजेनाइटल डिजीज होती है। कैल्विरल बोन किसे कहते हैं? इस खोपड़ी को कहते हैं, इस बोन को कैल्विरल बोन कहते हैं। ये अब्सेंट है बच्चे का, ये एनेंसेफेली का प्रेजेंटेशन है। इस बच्चे में देखिए हेड नहीं है, ऑक्सीपिटल नहीं है, पेराइटल, टेम्पोरल, ये सब बोन्स नहीं होते हैं, और इनके अंदर जो ब्रेन है, न्यूरॉन्स के जो ब्रेन बने होते हैं, वो न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन। तो इस तरह का अगर बच्चा पैदा भी हो जाता है तो भी कोई मतलब नहीं है, बच्चा ज़्यादा दिन तक लाइव नहीं रह सकता है। तो ये देखिए, ये एनेंसेफेली प्रेजेंटेशन है, एनेंसेफेली के बच्चे ऐसे होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में जैसा कि आपने देखा, एनेंसेफेली प्रेजेंटेशन है बच्चे का, तो इस कंडीशन में बच्चे को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो आप